प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। बस यही आज हम आपका क्लास 12 का रसायन विज्ञान लेसन फर्स्ट ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, जिसे इंग्लिश में आप सॉलिड स्टेट भी कहते हैं, आज मैं उसे स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसे ध्यान से जो भी कुछ हम बताएं उसे ध्यान से सुने और उसका अपना नोटबुक भी करें। तो प्यारे बच्चों सर्वप्रथम आपका जो पहला लेसन है ठोस अवस्था, जिसके तहत कह सकते हैं कि प्रकृति में जितने भी जो पदार्थ वगैरह जो पाए जाते हैं वो तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। वो भली बात आप लोगों ने इसे पिछली की कक्षाओं में जान चुके होंगे, तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, वो आपका ठोस, द्रव एवं गैस है। इस तरह से ये अध्याय आपका स्टार्ट हो रहा है और हम सर्वप्रथम आपका स्टार्ट कर रहे हैं परिचय से। तो परिचय में आप कह सकते हैं कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ उपस्थित होते हैं मुख्यतः तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहला आपका है ठोस, दूसरा आपका द्रव और तीसरा आपका गैस। कह सकते हैं पहला आपका जो आटा है वो आपका ठोस है। तो ठोस को हम कैसे परिभाषित करेंगे? जब किसी पदार्थ की आकृति निश्चित होती है उसे हम ठोस कह सकते हैं। जैसे कह सकते हैं लकड़ी, कुर्सी, दरवाजा, टेबल या डस्टर भी कह सकते हैं। जैसे डस्टर आपका क्या है? ठोस है, क्योंकि इसकी आकृति एक निश्चित है, एक आयतन के फॉर्म में है। इस तरह से किसी भी वस्तु की जब आकृति निश्चित होती है उसे हम ठोस कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा आते हैं आपका द्रव। यदि द्रव को हमें परिभाषित करना हुआ कैसे करेंगे कि जब किसी पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती, अर्थात जिस बर्तन में रखा जाए उसी की आकृति ले लेती है, द्रव कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप जल ले लीजिए, जल को किसी पॉट में रखिए या किसी बर्तन में रखिए, क्या करता है? उस बर्तन को कवर कर लेता है, अर्थात जल को किसकी आकृति धारण कर लेगा? उस बर्तन की। जैसे मान लीजिए और भी कोई ले लीजिए, एल्कोहल ले लीजिए, अगर उसे बोतल में भरेंगे तो वो बोतल की आकृति ले लेती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है उसे हम द्रव कहते हैं। और प्यारे बच्चों इसके आगे आपके गैस आता है। गैस को मैं इस तरह से डिफाइन कर दे रहा हूँ कि उसे आप लोग नोट कर लें। तो कह सकते हैं वे पदार्थ जिनकी आकृति एवं आकार दोनों अनिश्चित है, अर्थात कह सकते हैं कि आकृति जब दोनों अनिश्चित हो जाएगा उसे हम गैस कह सकते हैं। इस तरह से गैस में कह सकते हैं, उसका एग्जांपल आप कर लीजिए, जैसे मान लीजिए H2 हुआ, हाइड्रोजन क्या है? गैस। न तो इसकी आकृति निश्चित होती है न ही इसका आयतन निश्चित होता है। जिस पदार्थ की न ही आकृति निश्चित होती है न ही आयतन निश्चित होता है उसे हम गैस कह सकते हैं। तो गैस का एग्जांपल आपको दे दे रहे हैं, H2 हो गया, N2 हो गया, Br2 हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? गैस। इनकी न तो आकृति निश्चित होती है न ही गैस निश्चित होती है। इस तरह से इसको हम गैस को भी परिभाषित कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन दोनों अनिश्चित रहे उन्हें हम गैस कह सकते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों आज जितना हमने पढ़ाया उसका आप लोग नोटबुक बना लीजिए, इसके आगे मैं कल बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।